ये चैनल जिसके 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि मंथली $15,000 एवरी मंथ कमाते हैं ऐसी एनिमेशन वीडियोस अपलोड करके। ये देखें, ये कुछ इनकी वायरल वीडियोस हैं, ये देखें। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कैसे आप ऐसी वीडियोस बनाकर इनसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, क्रिएट वीडियो स्क्रिप्ट। स्टेप नंबर 1 पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर वीडियो स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए चैट जीपीटी पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे राइट, हमने यहाँ पर लिख देना है राइट स्टोरी अबाउट, राइट स्टोरी ऑन नेवर ट्रस्ट एनीवन। लाइक हम यहाँ पर इतने कंसेप्ट देंगे कि इस बारे में स्टोरी लिखें, और लाइक आपको खुद का कंसेप्ट देना होगा अगर आपको यूनिक स्टोरी लिखवानी है इनसे। तो मैंने ये कंसेप्ट दिया है, उसके बाद ये देखें ये कितनी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी लिख रहे हैं। ये देखें चैट जीपीटी ने ये कितनी अच्छी सी स्टोरी लाइक जनरेट कर दी है। जैसे ये जनरेट हो जाए हम इसे कॉपी कर लेंगे। तो इसे कॉपी करने के बाद हम नोटपैड में पेस्ट कर देंगे। हम नोटपैड पे क्लिक करेंगे, नोट्स पर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, न्यू नोट्स पर जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि है स्टेप नंबर 2, जनरेट वॉइस ओवर, लाइक जनरेट एनिमेशन। हमें एनिमेकर पर जाकर एनिमेशन जनरेट करनी है, तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू विद अलरा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लाइक ये देखें क्रिएट फर्स्ट वीडियो पर क्लिक कर देंगे, तो हम इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर चूज़ करेंगे हमें कौन सा साइज़ चाहिए, लाइक हॉरिजॉन्टल यूट्यूब वीडियो के, लाइक आपको टेम्पलेट चूज़ करनी है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल वीडियो की चूज़ की। उसके बाद ब्लैंक पर चले जाएंगे और यहाँ पर आकर हमें बीजी पर क्लिक करके यहाँ पर हमें ये बैकग्राउंड ऐड कर देने हैं। यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड से आपको अपने सीन के मुताबिक ऐड करने हैं। आपको कौन सा सीन चाहिए तो आपको उसके मुताबिक बैकग्राउंड ऐड करने होंगे। तो मैं ये बैकग्राउंड ऐड कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये करेक्टर ऐड कर दूँगी, इसे एडजस्ट कर लेते हैं हम पहले सही से, ओके। उसके बाद इसे एनिमेट कर देते हैं, तो फ्लिप इसे यहाँ से हम क्लिक करके यहाँ पर फ्लिप कर देंगे इसे, ये देखें। उसके बाद यहाँ पर फ्लिप करके हमें यहाँ पर बोर्ड पर ये शेप्स वगैरह ऐड करनी है, ताकि लाइक वायर लाइक इस बोर्ड पर कुछ हो जो टीचर्स पढ़ा रही हैं, लाइक ऐसी तरह की हमें एनिमेशन बनानी, तो हम यही ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम बहुत सारी शेप्स हम ऐड कर देते हैं, ये सारी शेप्स ट्रायंगल रेक्टेंगल ये सारी शेप्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारी शेप्स हैं, आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे कुछ फ्री हैं कुछ लाइक पैसे की हैं, पर फ्री में ही आपका काम चल जाएगा, तो आपको पैसे की ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर ये ऐड कर देंगे, ये देखें, और यहाँ पर इसे एनिमेशन को एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद एडजस्ट कर देंगे इसे और ये देखिए ये कितना अच्छा लाइक लग रहा है, ये देखें, ओके, ये देखें। उसके बाद इसे एनिमेट करने के बाद हम एक और सीन लाइक क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट सीन क्रिएट करेंगे प्लस के आइकन पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर हमें इसके बैकग्राउंड पर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यही सेम ही बैकग्राउंड रखूँगी बिकॉज मुझे सेकंड सीन भी ऐसा ही चाहिए, क्लासरूम सीन, तो मैं यही क्लासरूम वाला बैकग्राउंड रखूँगी, ओके। बोर्ड वाला बैकग्राउंड रखूँगी, वो वाला, ये वाला। उसके बाद हम यहाँ पर कोई लाइक सही सा करेक्टर ऐड कर देते हैं, जो कि ये सही लगा मुझे। यहाँ पर बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो कि कुछ फ्री हैं कुछ पैसे के हैं, पर फ्री में ही काम चल जाएगा। ये देखें ये कितना सही करेक्टर है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे और यहाँ पर कुछ एनिमेशंस ऐड कर देते हैं। ये देखें यहाँ पर बहुत सारी एनिमेशंस हैं, तो हम ये स्टिक वाली एनिमेशन ऐड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्लिप पर करके यहाँ वर्क कर देंगे। उसके बाद एनिमेशन पर क्लिक करके आप ऐसी भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, पर इसका इतना कोई फ़ायदा नहीं, ये इतनी अच्छी नहीं है, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो इसे छोड़ देते हैं वैसे ही, बिकॉज़ ये इतनी लाइक अच्छी नहीं लगी। वो एनिमेशन के मूव जो होते हैं वही सही हैं, लाइक ये देखें ऐसे वाले, तो ये मुझे सही लगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसे चेंज कर देते हैं करेक्टर को, मुझे लाइक ये करेक्टर इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ये करेक्टर रख लेंगे। इसे हटाकर
यहाँ पर इसके साथ सेम चीज़ करनी है, हमें ये ऐड कर देनी है एनिमेशन इससे क्वाली, उसके बाद इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें बोर्ड पर कुछ लिखना होगा जो टीचर पढ़ा रही है, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं टेक्स्ट के जो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद मुझे कलर इसका ब्लैक चाहिए, मुझे ऐसा कलर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर ए पे जाकर यहाँ पर क्लिक करके इसका वाइट कर दूंगी कलर। उसके बाद एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करके जैसे करूँगी यहाँ पर नन इफेक्ट्स ऐड कर दूंगी ताकि कोई भी इफेक्ट ना रहे। उसके बाद इसे ऐड करने के बाद हम यहाँ पर सारे अल्फाबेट्स ऐड करेंगे A to Z। ये देखिए मैंने यहाँ पर B लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर C लिखेंगे और यहाँ पर D भी ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर E ऐड करेंगे, ये लाइक ऐसे हमने कैपिटल से रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर EFNGHIJKLM लाइक के तक लिखेंगे, GHI लिख देंगे, उसके बाद जे के बाद के ही लिख देंगे हम। ओके, ये देखें, उसके बाद डी को ऐसे करेंगे। ओके, इस डी को इधर करेंगे, इसे एडजस्ट कर देते हैं। सारे अल्फाबेट्स को हम अभी एडजस्ट कर देंगे और जी को वहाँ ले जाएंगे बिकॉज वहाँ भी जगह बचती है। तो ये मुझे ऐसे इतना सही नहीं लगी, जी तो जी को वहाँ ले जाएंगे, वहाँ साइड पर हम यहाँ पर ले जाते हैं। उसका दिन है इसके मुताबिक एडजस्ट कर देते हैं। ये देखें GHIJ, उसके यहाँ पर के लिख देंगे, कॉपी करके इसे यहाँ पर पेस्ट करके के लिख देंगे। ओके, उसके सारे अल्फाबेट्स पूरे हो गए हैं, ये सीन रेडी हो गया है, उसके बाद हम इसे देखेंगे। ओके, पूरा सही है। अगर आपको अपने आपको इसको एनिमेट करना होगा अपने सीन्स के मुताबिक, जैसा आपको सीन चाहिए आप वैसे इसे एनिमेट कर सकते हैं। उसके बाद सारे टेक्स्ट को कॉपी कर सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ऐसे इसे ग्रुप में कर देंगे और इस पर एनिमेशन ऐड करूँगी। ये देखिए यहाँ पर एनिमेशन पर क्लिक करके यहाँ पर एनिमेशन ऐड कर दूँगी ये वाली। यहाँ पर बहुत सारी एनिमेशन से कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये वाली एनिमेशन ऐड कर दी है और यहाँ पर उसके बाद हम पब्लिश पर करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी एनिमेशन है, इसे भी ऐड कर दूँगी, यहाँ पर भी एनिमेशन ऐड कर दूँगी मैं। ये देखिए, ओके, ये ऐसी एनिमेशन सेट हो गई हैं। हम यहाँ पर बीच में भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं सेंटर पर क्लिक करके। ओके, उसके बाद हमें इसे डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये हो गई, उसके बाद हम इसे डाउनलोड करने के लिए पब्लिश पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पब्लिश का बटन है, हम यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड वीडियो पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये हम डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके बाद हम इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। ये देखिए, जैसे ये यहाँ पर लोड हो जाए, उसके बाद यहाँ पर जैसे ये लाइन ख़त्म हो जाए तो ये रेडी हो जाएगा सीन, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।